गणेश जी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बालक गोपी में प्रवेश क्यों कर लिया? गोपी, माँ, बाऊजी, देखिए कौन आया है। आपकी प्रिय पुत्री और मेरी प्यारी बहन। अरे माँ, बाऊजी, आप बैठिए ना, आप बैठिए, दीदी स्वयं आएंगी आपके पास। दीदी बैठिए, ये जी बैठिए ना। स्वागत है दीदी जी। अजी प्रणाम। किंतु ये सब आपको माँ बाबूजी के बाद ही मिलेगा। बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे घर में इनके मान को ठेस पहुंचे ये संभव ही नहीं। गोपी आओ, बुआ जी और फूफा जी को प्रणाम करो। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो। प्रणाम फूफा जी। खुश। मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना दीदी? नहीं भैया, अपने माता पिता भैया भाभी से मिलने आने में भला कैसा कष्ट। माँ बाबूजी के आशीर्वाद के बिना हमारे विवाह की सालगिरह तो अधूरी ही रह जाती है। मैं तो प्रतिदिन इनका आशीर्वाद ना लूं तो हमारा दिन ही अधूरा लगता है। कितना झूठ और ढोंग है इनके भीतर। दोनों तो बहुत दूर से आए हैं, इनको तो हम लोग ने बातों में लगा लिया और खाने तो को पूछा ही नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने भोजन तैयार कर रखा है, ढेर सारे पकवान बनाए हैं, बस अभी लगा देती हूँ। चलो गोपी मेरी सहायता करो। हाँ माँ। सहायता तो ऐसी करूंगा कि फिर कभी किसी की सहायता तो क्या अपना मुख भी दिखाने के लायक नहीं रहेगी। गोपी क्या हुआ? दादा दादी के सामने भोजन के पात्र नहीं रखे, उनके लिए कोई विशेष पात्र है क्या? हाँ विशेष है, बहुत विशेष है दीदी, इसीलिए इसने पात्र नहीं लगाए, क्योंकि ये तो प्रतिदिन मैं करता हूँ ना। माँ बाबूजी के लिए पात्र सजाकर उनको प्रतिदिन भोजन मैं ही परोसता हूँ। आज तुम्हारे आने की प्रसन्नता में मैं सब भूल गया, क्या करूँ, तुम्हें देखकर इतना प्रसन्न जो हूँ मैं दीदी। किंतु पिताजी आज इनमें कौन खाएगा? दादा दादी तो प्रतिदिन इनमें ही भोजन करते हैं, आज अचानक पीतल के थाल में भोजन परोस देंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा उन्हें, खा ही नहीं पाएंगे वो तो। ये सब क्या है किशोर भैया? अब मैं क्या कहूँ, पिताजी हट करते हैं, है ना पिताजी? हाँ, हमें लगता है मिट्टी के पात्रों में भोजन अधिक सात्विक होता है। हाँ, देखो। लाओ पुत्र, हमें हमारे पात्र लाके दो। माँ आज अंत आरंभ में कैसे परिवर्तित हो गया, गंगा उल्टी कैसे बहने लगी, दादा दादी पहले और हम सब बाद में भोजन करेंगे, क्या इससे नियम बदल रहे हैं क्या? हाँ वो माँ को पूजा में देरी हो जाती है ना इसलिए। क्या पिताजी क्या कह रहे हैं आप, आपने ही तो कहा था
कि अब से पूजा सामग्री बंद, काम बढ़ गए हैं, आकाश छूने लगे हैं, नहीं ला सकते। तो कहाँ पूजा करते हैं दादा दादी? और अब तो मंदिर जाना भी बंद है। नहीं बहना, आज गए थे तो कितना भला बुरा सुनना पड़ा उन्हें। बुआ जी, दादा दादी का पेट तो मेरे से भी छोटा है, थोड़े से और बचे हुए भोजन में पेट भर जाता है उनका। माँ इसीलिए अधिक भोजन नहीं बनाती, क्या लाभ अधिक बनाने का जब व्यर्थ होगा तो। और वैसे भी पिताजी तो कहते ही रहते हैं कि दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, कम खर्च करो, बचत करके चलना होगा। चुप हो जाओ, कुछ भी कहे जा रहे हो तुम। कहाँ पिताजी, अभी पूरा सच कहाँ कहा मैंने? वो मिष्ठान वाली बात तो रह गई, अब वो भी कहने दीजिए। नहीं, अब चुप रहोगे तो कुछ नहीं कहोगे। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा। बुआ जी को ये बात भी नहीं बताऊंगा कि दादा दादी को तो मिष्ठान चखने तक को नहीं मिलते। और ये तो कदापि नहीं बताऊंगा कि मैं छिपकर थोड़ा बहुत दे देता हूँ तो मुझे भी मार पड़ती है। नहीं नहीं पिताजी, अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अन्यथा मुझे भी आज से दादा दादी के साथ बाहर आहते में टूटी खाट पर सोना पड़ेगा। भैया, इतने कष्ट में है माँ बाबूजी आपके कारण। कदाचित इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। सच जानना है, पूछना है तो माँ बाबूजी से पूछे ना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सारे कष्ट सह लेंगे किंतु मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। विवाहित पुत्री हूँ, पराई जो हो चुकी हूँ इनके लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये गोपी की बातों को अनसुना कर दीजिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो जैसे कोई इसके भीतर कोई और घुस के बोल रहा है। हाँ हाँ, माँ ने एक सत्य तो कहा, मेरे भीतर कुछ आ गया है। चलो मैं बताता हूँ, पिशाच है मेरे भीतर, पिशाच है मेरे भीतर। क्या बुआ जी, आपको मेरी बात नहीं माननी तो मत मानिए। आप स्वयं देख लीजिए उस खाट को, उसी खाट के नीचे दादा दादी का सभी सामान एक पोटली में बंधा पड़ा है। रुको बहना, क्यों पता है? क्योंकि यदि इनका बोझ और खलने लगे तो उन्हें किसी आश्रम में भेजने में विलंब ना हो। गोपी, भैया गोपी का मुख बंद कराने का अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब आप कुछ भी कह लीजिए परंतु सत्य मेरे सामने है, अब आप इसे छिपा नहीं सकते। वहाँ बाबूजी, जीवन की तपती धूप सहकर हमारा लालन पालन किया, हमारे जीवन को आश्रय देने के लिए हमें एक विशाल वृक्ष बनाया। उसी मालिक को उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए उसका फल नहीं दे सकते, छाया नहीं दे सकते? कैसे विडंबना है ये, लज्जा नहीं आती आप दोनों को? अब आपसे कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं। पुत्री हो तो क्या हुआ,
अब मुझे इनके संतान होने का कर्तव्य और धर्म निभाना है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं पुत्री, नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं चलेंगे आप मेरे साथ? अपने पुत्र के घर दूसरे बनकर रह सकते, परंतु मेरे साथ नहीं चल सकते। बेटी, लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा बेटा? क्या लोग और समाज आकर आपका ध्यान रखेंगे? मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, पर आप भी सुन लीजिए। यदि आप मुझे अपने पुत्र से कम समझेंगे तो मैं आपको बलपूर्वक ले जाऊंगी। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। जिस घर में माता पिता का आदर ना हो, उस घर में भोजन तो क्या, एक पल के लिए मैं सांस भी नहीं ले सकती। यदि आप मुझसे उतना ही स्नेह करते हैं जितना अपने पुत्र से, तो आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे ना? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, सर से बला तो टली। संतान की इच्छा रखने वाले यदि पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं तो कितनी बड़ी भूल करते हैं। पुत्री अपने माता पिता से स्नेह भी करती है, उनका ध्यान रखने में भी सक्षम होती है, और वो एक नहीं दो कुलों दो घरों के सभी दायित्व निभाती है। माता पिता की सेवा केवल दायित्व नहीं, प्रेम है, निश्चल प्रेम, जो पुत्रियों के हृदय में कहीं अधिक होता है। पुत्र पाकर माता पिता स्वयं को भाग्यवान समझते हैं, किंतु पुत्री तो स्वयं भाग्य लक्ष्मी के रूप में उनके घर जन्म लेती है। दादा दादी चले गए पर आपने रोका तक नहीं। गोपी रुकिए। और कितनी भूल करेंगे आप? अभी थोड़ा आगे बढ़ते और वृद्धावस्था के भोजन का अपना पात्र तोड़ देते, और फिर आगे चलकर इसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ता, और इसका मोल तब तक कितना बढ़ जाएगा आप तो भली भांति समझ सकते हैं। क्यों? और तब मेरे ऊपर मेरे परिवार का उत्तरदायित्व होगा। हे ईश्वर, मुझे तो ये सोचकर बड़ी चिंता हो रही है। ओह, मेरी बातें सुनकर आप दोनों चिंता में पड़ गए। हे, चिंता मत कीजिए। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आप दोनों मुझ पर बोझ बन गए, मैं दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, सीधे आपकी पोटली उठाकर आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। हमारी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि स्मरण है ना, रहना तो आपको हमारे साथ ही है। इस उम्र में ऐसा अपमान, ऐसे कटु वचन सुने बिना आपसे रहा नहीं जाता क्या? चुपचाप एक कोने में दुबके पड़े रहिए। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें क्षमा कर दो बेटा। हम समझ ही नहीं पाए कि लालच में हम क्या कर रहे हैं। क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, दादा दादी जी से मांगिए, और लौटा लाइए उन्हें। अवश्य। बाबूजी, हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजी, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। दोनों को सीख देने में आनंद आ गया। सीख देते देते यहां तो मुझसे एक सत्कर्म हो गया।
ये भक्तों की कथा सुनने का प्रभाव है पुष्पदंत जी। आपने जो कथाएं सुनी, भक्तों की भक्ति की, कर्तव्य परायणता की, धर्म की, सुपथ पर चलने की, उसके कारण ही आज आप ये भलाई का कार्य कर सके हैं। और मुझे विश्वास है, पिशाच बनकर लोगों को सताने से अधिक आनंद आपको भक्त बनकर इस परिवार को जोड़ने में आया होगा। नहीं, चलिए जया मौसी। गणेश जी, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वहीं अपने स्थान पर, वहाँ जया मौसी और भक्त कथाएं सुनने को लालाये थे। अरे तो ऐसे कैसे चले जाएंगे आप मुझे छोड़कर? मुझे बांध कर नहीं ले जाएंगे? क्या कर रहे हैं गजानन आप? आपको विश्वास तो है कि वो आएंगे? गणेश जी, मैं कहीं दूर जाकर छुप जाऊंगा, आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलूंगा नहीं। इस बार उनका स्वयं आना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मत जाओ। भक्ति में कुछ नहीं रखा है, मत जाओ। मैंने कहा ना, भक्त होना बंधन में उलझना है और पिशाच होना मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। स्वामी आप तो जाएंगे ना? पिशाच की स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं। वास्तव में यदि स्वतंत्र होना है, सभी बंधनों से मुक्त होना है, तो सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना होगा, भगवान से मिलना है, तभी मुक्ति मिलेगी। मैं आ रहा हूं गणेश जी, मैं आ रहा हूं। प्रभु, मैं आ गया। मुझे भी भक्तों की कथाएं सुननी है। आना है तो आइए, आपको रोका किसने है? किंतु स्वयं को रोक क्यों नहीं सके थे? भाग कर गए क्यों थे? मुझे मेरी पिशाची प्रवृत्ति से मुक्ति कहाँ मिली है गणेश जी? मन में कुछ प्रश्न है तो संकोच मत कीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए। प्रश्न तो बहुत सारे हैं गणेश जी। मैं अपने अंदर की पिशाची प्रवृत्ति से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अपने अंदर के अच्छाई को और बल क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? बताइए ना गणेश जी, कैसे होगा? ये प्रश्न आपका ही नहीं, इस सृष्टि में सभी जीवों का है पुष्पदंत जी। क्योंकि स्वतंत्रता का झूठा भ्रम किसी को भी सरल किंतु अनुचित मार्ग की ओर आकर्षित कर देता है, और उनके भीतर भी पिशाची स्वभाव घर कर जाता है। वहीं दूसरी ओर भक्ति और सत्य कर्म का मार्ग कठिन होता है, किंतु ये मार्ग व्यक्ति के भीतर के रावण का अंत कर देता है, और जो इसका चुनाव करते हैं उन्हें मुक्ति ही नहीं मिलती अपितु परमानंद की प्राप्ति भी होती है। वे सफल जीवन व्यतीत कर परमात्मा में समाहित होकर उनसे एकीकार हो जाते हैं। हाँ, मुक्ति भक्ति से ही संभव है। वही तो आज किया आपने, अपने भीतर के भक्त को ही नहीं जागृत किया अपितु उसका प्रयोग कर आपने सबसे बड़ी भक्ति को भी जागृत किया। सबसे बड़ी भक्ति को? हाँ, माता पिता की भक्ति, माता पिता की सेवा, ईश्वर भक्ति साधना और तप से कहीं अधिक बढ़कर है। और जो भी इस मार्ग पर चलता है वो सभी की दृष्टि में आदर का पात्र बन जाता है। अरे वाह। हाँ तो गणेश जी, सुनाइए ना कथा, सुनाइए। संसार में ऐसे अनेक मातृ भक्त और पितृ भक्त हुए हैं जो भगवान के समान पूजे जाते हैं। कौन कौन भक्त था गणेश जी? जैसे स्वयं प्रभु श्री राम, जो पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों के कठिन वनवास पर चले गए। श्रवण कुमार, जो अपने दृष्टिहीन और वृद्ध माता पिता को अपने कांधे पर लेकर
उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने ले गए थे और परशुराम जी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माता पिता पर ही न्योछावर कर दिया। और स्वयं आप प्रभु, आप भी तो माता पिता के भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आपने भी तो माता पिता को सर्वोच्च मानकर, उन्हें संतान का संसार मानकर उनकी परिक्रमा की थी और प्रथम पूज्य होने का स्थान प्राप्त किया था। प्रभु, अब मैं आपका कथा वाचन भी समझने लगा हूँ। आपने ये भूमिका बांधी है तो अवश्य इससे जुड़ी कोई कथा भी सुनाएंगे। उनकी कथा जिन्होंने अपने माता पिता की भक्ति में कुछ अनोखा, कुछ महान कार्य किया होगा। सत्य कहा, ऐसे महान भक्त जिसने न केवल अपने भीतर के पिशाची प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की, अपितु स्वयं ईश्वर को भी अपनी प्रतीक्षा करने पर विवश किया और धरती वासियों को धन्य किया। ये कथा है परम भक्त पुंडलिक की। ये वही भक्त पुंडलिक हैं जिनके कारण पंडरपुर विठल का क्षेत्र स्थापित हुआ। प्रभु, मैं अति उत्सुक हूँ कथा सुनने के लिए। बताइए ना, उनके अंदर कैसी पिशाची प्रवृत्ति थी जिसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी? पुंडलिक की कथा आरंभ होती है उनके माता पिता जानुदेव और सत्यवती से, जो सदा प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। स्वामी, अब मैं अपने बाल गोपाल को भोग चढ़ाती हूँ। आपने जांच ली है ना खीर, हमारे बाल गोपाल के लिए अधिक गर्म तो नहीं है ना? ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया स्वामी? अपने बाल गोपाल को तो मैं आपसे कहीं अधिक स्नेह करती हूँ। जांच लिया है, तुम्ही निश्चिंत रहा। अब शीघ्र खा लीजिए बाल गोपाल, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। बाल गोपाल आज मेरे हाथों से खाएंगे। बड़ी अनोखी भक्ति थी उनकी। बाल कृष्ण गोपाल को अपने घर का सदस्य मानते थे। जागते तो सबसे पहले अपने बाल गोपाल को जगाते। जय गोपाल। जय गोपाला। घर पर जो भी पकवान बनते सबसे पहले उन्हें ही खिलाते और फिर रात्रि में सोने के समय पहले बाल गोपाल को सुलाना ना भूलते। उन्हें सुलाते फिर स्वयं सोते। ईश्वर से आप जितना स्नेह करेंगे उससे भी अधिक स्नेह ईश्वर आपसे करेंगे। ये प्रमाणित भी हुआ जब इन दोनों ईश्वर भक्तों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा पुंडलिक। पुरोहित जी, हमारे पुत्र की कुंडली देखकर बताइए ना, कुंडली उसके लिए उचित नाम रहेगा? हाँ रहेगा, किंतु 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 कहाँ है पुरोहित जी? संकोच मत कीजिए, जो भी बात है हमें बताने की कृपा कीजिए। इसके जन्म के समय के ग्रहों के स्थान के अनुसार ये बालक अपने जीवन में जो भी करेगा संपूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता के साथ करेगा। किसी के लिए भी इसे इसके पथ से भटकाना असंभव होगा। ये तो अच्छी बात है पुरोहित जी। हाँ, सुपथ पर चले तो ये अच्छी बात है, किंतु यदि इसने कुपथ का चुनाव कर लिया तो इसे इसके पथ से कोई भी नहीं डिगा सकेगा। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी, क्या संकेत है आपका? ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा, इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। हम समझ गए। हे प्रभु, बाल गोपाला, पुरोहित जी ये क्या कह गए?
किंतु हम ऐसा होने ही नहीं देंगे ना। हाँ प्रिय, तनिक भी चिंता मत करो, हमारा पुत्र कदापि नहीं बिगड़ेगा। हम इसे अच्छे संस्कार ही नहीं अच्छी संगति भी देंगे। हमारे घर में हमारे बाल गोपाल का भी तो वास है, उनकी संगति मिलेगी इसे, तो भला ये बुरे पथ पर कैसे जा सकता है। हे बाल गोपाल, संगत से गुण हो तो है संगत से गुण जात। प्रार्थना है प्रभु, पुत्र पुंडलिक को सदा आपकी ही संगति मिले। हाँ बाल गोपाला, यदि आपकी संगति में पलेगा बढ़ेगा तो सदा उचित मार्ग पर ही चलेगा, कभी नहीं भटकेगा। भगवान हो या माता पिता, उनकी सेवा में स्नेह का भाव आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।